इस बुलेटिन के प्रायोजक है बैकर्स लाउंज, अनुपम टीवीएस, किंग क्लब, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और क्लब 95। नमस्कार, अभय न्यूज 7 नवंबर शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं जिले भर की प्रमुख खबरों की ओर। नागदा के बिल्ला ग्राम इलाके में एक बेहद दर्दनाक घटनाक्रम के बाद 15 साल की एक बालिका की मौत हो गई है। घटना 3 नवंबर की शाम की है, लेकिन इस मामले में अब जाकर पुलिस FIR दर्ज कर सकी है। 15 साल की वर्षा अपनी मां संगीबाई और पिता राकेश के साथ बिरला ग्राम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहा करती थी। नजदीक के ही अशोक कॉलोनी में रहने वाला उमेश नाम का युवक वर्षा से एक तरफा प्यार किया करता था। वह वर्षा पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रहा था। 3 नवंबर की दोपहर उमेश वर्षा के घर पहुंचा। यहां 15 साल की बालिका अकेली थी। उमेश ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। इसी बीच वर्षा की मां संगीबाई भी यहां पहुंच गई। संगीबाई ने पुलिस को बताया है कि उसकी आंखों के सामने ही उमेश ने वर्षा पर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस अपराध को अंजाम देने के बाद उमेश टापरी के पीछे के रास्ते से भाग निकला। संगीबाई भी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में बुरी तरह झुलस गई। दोनों ही मां बेटी को पहले उज्जैन जिला अस्पताल और इसके बाद इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। शुक्रवार को 15 साल की वर्षा ने इंदौर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बिरला ग्राम थाना प्रभारी हेमंत सिंह जादौन के मुताबिक मां संगीबाई के बयानों के आधार पर उमेश के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। वह नागदा में ही जूते चप्पल की एक दुकान पर काम किया करता था। वर्षा की मौत के बाद अब इस प्रकरण में हत्या की धारा जोड़ी जा रही है। दोस्तों, महितपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे हम सबको एक सबक सीखना होगा, क्योंकि जिम्मेवारों के कानों पर तो जू रेंगने वाली है नहीं। आज सुबह महितपुर के एक बस स्टैंड पर एक दुकान के पास सटी दो खंभों में अचानक करंट फैल गया। वहां खड़े युवक अंसार हुसैन ने खंभे को गलती से छुआ तो अंसार खंभों से चिपक गया। जिसे देख अंसार के साथियों ने उसे किसी तरह खंभे से छुड़वाया। वह घायल अवस्था में अंसार को उज्जैन के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। हालांकि अंसार की हालत अब सामान्य है, लेकिन दोबारा कोई इस घटना का शिकार ना हो उसके लिए बिजली विभाग को ध्यान देना चाहिए। जिले में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर पुलिस के शिकंजे का कोई असर नजर आता नहीं दिख रहा है। एक दिन पूर्व तराना में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते चोरों का CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में चोरी करते हुए दिख रहे बेखौफ युवकों ने तराना की श्याम मित्तल के पीठे पर देर रात 3 बजे घटना को अंजाम दिया, जिसमें सामने आया कि किराए से रहने वाले युवकों की 2 बाइक को चुराया है। वहीं पूरे मामले में छानबीन कर रही पुलिस कंजरों पर आशंका जता रही है। खालस्रोत के पास घिनौदा में ATM मशीन पर रुपए निकालने पहुंचे एक किसान के साथ 1 लाख रुपए की ठगी हो गई है। इस किसान के ATM कार्ड का दुरुपयोग कर 3 युवकों ने उसके बैंक खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए हैं। ग्राम सेंद्री में रहने वाले लक्ष्मी नारायण ढाकड़ के साथ 13 अक्टूबर को ये वारदात हुई थी, जिसकी शिकायत अब खालस्रोत थाने में की गई है। लक्ष्मी नारायण ढाकड़ घिनौदा स्थित यूको बैंक के ATM में रुपए निकालने पहुंचे थे। जब वे ATM केबिन में थे तभी 3 अज्ञात युवक भी इस केबिन में घुस गए थे। इन तीनों ने लक्ष्मी नारायण ढाकड़ के ATM का नंबर देख लिया और इसके बाद 21 से 24 अक्टूबर के बीच किसान लक्ष्मी नारायण के खाते से 4 बार 25,000 रुपए आहरित हो गए। महितपुर महाविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों ने SDM कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इन छात्रों ने अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना पर विरोध जताया है। तो ये थी जिले भर की प्रमुख खबरें। बुलेटिन पसंद आने पर हमारे बुलेटिन पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।